नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। जसपुर में बकरा ईद को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, इसलिए सूत मिल पुलिस चौकी परिसर में कोतवाल जसपुर और तहसीलदार जसपुर के नेतृत्व में स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधानों के साथ शांति कमेटी की बैठक की गई। बैठक में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने शिरकत की है, जिसमें आने वाले त्योहार पर सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही पुलिस अशोक कुमार का कहना है कि सभी को त्योहार के समय शांति बनाए रखनी है, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताते चले, बकरीद को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसी के साथ साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो भी शांति को भंग करेगा उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो शांति बनाए रखने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। बकरा ईद नजदीक है, ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गया है। हिंदुस्तान का सौहार्दपूर्वक त्यौहार है बकरा ईद। इसके जो इसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रहे, उस संबंध में जो समाज के मजिज लोग हैं, चम्भ्रांत व्यक्ति हैं, उन्हें बुलाकर बैठक की गई है और ताकि जो है हमारे क्षेत्र में लगातार शांति बनी रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग हो। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन की कमजोरी पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक मदन सिंह बिष्ट ने भी माना है कि कांग्रेस में संगठन का अभाव है। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि संगठन पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ता है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के साथ ही संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, विधायक ने कहा कि कांग्रेस संगठन के अंदर कई कमियां हैं जिन्हें सुधारने की भी जरूरत है। तो अल्मोड़ा पहुंचे एमएलए मदन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस में संगठन का अभाव है ये बयान दिया और साथ ही साथ जो कमियां हैं उन्हें सुधारने की भी जरूरत है। उन्होंने ये भी बयान दिया है संगठन को मजबूत करने की बेहद आवश्यकता है। हमें संगठन को मजबूत करना है। जिस तरीके से बीजेपी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के हर समय प्रयास कर रही है, हमारा एक कार्यकर्ता है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर उनको भी मजबूत करना है। और उसके साथ साथ संगठन में कई कमियां भी है कांग्रेस के अंदर, भाई होता है, संगठन में पैसे की भी आवश्यकता होती है, झंडे की भी आवश्यकता होती है, पर्चों की भी आवश्यकता होती है, मोटरसाइकिल पेट्रोल आदि की व्यवस्था होती है। इसके भी संगठन हमारा हाईकमांड को कहता हूँ इस तरीके के मजबूत करे। जब तक संगठन हम लोग मजबूत नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी नीचे गिरती जाएगी। रुद्रपुर में बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश कोऑर्डिनेटर और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हरेला पर्व पर बीजेपी बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करेगी। आपको बताते चले, कार्यक्रम 6 जुलाई से 16 जुलाई तक होगा, जिसमें प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए जाएंगे। वहीं आपको ये भी बताते चले कि ये वृक्षारोपण कार्यक्रम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को बीजेपी ने समर्पित किया है। तो अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये जानकारी दी है कि हरेला पर्व पर बीजेपी वृक्षारोपण करने वाली है। 6 जुलाई से 16 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित है ये कार्यक्रम। कई बड़े स्तर पर यहाँ पर पौधारोपण होगा और सभी से यहाँ पर अपील की गई है कि पौधारोपण करें। 6 जुलाई से 16 जुलाई तक कार्यक्रम चलेगा, हरेला पर्व को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है और एक बड़े लेवल पर यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। हर एक कार्यकर्ता बीजेपी का एक पौधा लगाएगा। इस पखवाड़े को भारतीय जनता पार्टी ने
100% डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर समर्पित किया और प्रदेश के कोने कोने में हरेला त्यौहार विधिवत संपन्न हो, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगह वृक्षारोपण हो, इसे निमित्त उत्तराखंड प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझको इस कार्यक्रम का प्रदेश संयोजक बनाया है। मैं अपने संगठन का मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। टनकपुर में मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मानसून के दौरान सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें और IRS के अंतर्गत जिस भी विभाग के जो दायित्व हैं वो बिना किसी लापरवाही से उसका निर्वहन करें। बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से टनकपुर और बनबसा क्षेत्रों के जलभराव की समस्या के संबंध में चर्चा की और सिंचाई विभाग से जानकारी ली कि जलभराव के संबंध में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। तो टनकपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर DM ने अधिकारियों की बैठक ली और मानसून को लेकर के बैठक की गई है कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। अलर्ट मोड पर सभी अधिकारियों को रहने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसके मद्देनजर अब अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहें ताकि अगर कोई भी स्थिति आती है तो उससे आसानी से निपटा जा सके। ड्रोन से सारे ने अपने रिकॉर्डिंग्स की हैं, उसको देखा जाएगा। और जो टनकपुर बनबसा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठक भी थी आपने की, माननीय मुख्यमंत्री जी के यही निर्देश हैं कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। तो इसका ड्रेनेज प्लान के लिए 1 माह का समय दिया गया है इरीगेशन को। तो इसका जब विस्तृत ड्रेनेज प्लान बनेगा तो आने वाले सालों में इसका स्थायी समाधान हो पाएगा। फिलहाल इस मानसून सीजन में जो भी अस्थायी समाधान होने हैं। चंपावत के DM नरेंद्र सिंह भंडारी टनकपुर पहुंचे जहां उन्होंने एक पूर्णिगिरी तहसील सभागार में लोगों की समस्याओं को जाना। रेलवे अतिक्रमण अभियान से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को DM ने रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में सुना है। इस दौरान DM नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि बिना सर्वे किए अधिक्रमण को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। DM नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि भूमि का सर्वे चल रहा है, जिसको पूरा होने के बाद कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें यहां पर पूर्णागिरी तहसील सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें DM ने लोगों की समस्याओं को जाना। रेलवे के अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहते हैं और साफ तौर पर यहां पर बात यह रखी गई है कि जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं कर ली जाती है, सर्वे पूरा नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जाएगी। लोगों के साथ गलत यहां नहीं होगा, उनके साथ यहां पर इंसाफी किया जाएगा। जनपद हेडक्वार्टर में रेलवे को बुला के, उनके अधिकारियों को बुला के और एक पब्लिक के साथ एक अलग से आज बैठक की है। तो इसमें दोनों में ये निकल के आ रहा है कि जो लीगल प्रोसेस है वही कार्रवाई की जाए। तो बहुत से केस में मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग है तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोर्ट से वो निस्तारण ना हो जाए। सब जुड़ी इस मैटर का मतलब पूरा लीगल प्रोसेस से ही कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमने निर्देश दिया। सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्करों ने एकत्रित होकर के उनके साथ हो रहे गलत व्यवहार और ओवर वर्कलोड को लेकर के नाराजगी जताते हुए सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश आरा को एक ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ आशा वर्करों ने मौजूदा समय में तैनात ANM पर उनके साथ बदतमीजी करने और गलत बोलने के साथ ही उनसे अन्य काम करवाने का भी आरोप लगाया। इसलिए क्षेत्र के समस्त आशा वर्करों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इकट्ठा होकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मौजूदा ANM को हटाकर अन्य ANM की नियुक्ति की मांग यहां पर की गई है। तो आशा वर्करों ने नाराजगी जाहिर की है, ओवर वर्कलोड को लेकर के नाराजगी यहां पर जाहिर की गई है।
और उनका कहना है कि जो आशा वर्कर्स हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्या सर को ज्ञापन दिया है क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है बच्चों के टीकाकरण कराने में, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराने में। यहाँ पे एनम की एनम कार्यरत नहीं है, जो एक एनम है उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वो कभी टीकाकरण में आती है कभी नहीं आ पा रही है, और उसकी वजह से फील्ड वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखिए यहाँ बिल्डिंग काम भी चल रहा है। आज ये कहना है जिन आशाओं की उम्र ज्यादा हुए उनको निकाल दो, ये खुद संविदा में है और खुद अपना बेड रेस्ट में है। अगर ये आशाओं को मतलब जरा उम्र ज्यादा होने में निकलेंगे तो फिर इन्होंने भी घर में रहना चाहिए, मेडिकल में ये यहाँ क्यों आ रही है, और धमकी दे रही है मैं साइन नहीं करूंगी। अगर हम पूरा काम कर रहे हैं, मैंने अपना ऑपरेशन पीछे कर दिया, पोलियो की ड्यूटी करी मयंक सर और उनको पूछ लीजिए। जसपुर में रहने वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब हो रहे कैंसर पीड़ित मरीजों का जो इलाज हो सकता है, आपको बता दें जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए नई ओपीडी शुरू की गई है, जहां कैंसर पीड़ित मरीजों का समय रहते इलाज हो सकेगा। तो जसपुर के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जो आपको हम बता रहे हैं कि कैंसर के मरीजों के लिए नई ओपीडी की शुरुआत की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब इलाज किया जाएगा, जो भी कैंसर पीड़ित हैं वो अब आसानी से जसपुर में अपना इलाज करा सकते हैं क्योंकि नई ओपीडी की यहां पर शुरुआत हो गई है। तो ये राहत भरी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही इलाज किया जाएगा। नई ओपीडी कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए खोल दी गई है, आसानी से अब कैंसर के जो पीड़ित लोग हैं वो यहां पर इलाज अपना करवा सकते हैं। इसमें ऐसे मरीज जो बहुत समय से कैंसर की सेवाएं ले रहे हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से और उनका इलाज पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अगर उन्हें यहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है और जो लोकल के मरीज हैं यहाँ पर आते हैं तो हम उनको भर्ती करके सेवा दे पाएंगे। के मरीजों का इलाज रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा होता है, वो इलाज तो उनका प्लान हायर सेंटर पर ही किया जाएगा, लेकिन उनको अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, बीच में कोई दिक्कत होती है या किसी प्रकार की सलाह लेनी होती है या एक दिन का कोई इलाज हमको देना होता है, तो उस प्रकार के मरीजों को यहाँ पे सेवा। उत्तराखंड में कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का मौसम तमाम लोगों के लिए खुशहाली लेकर आता है, लेकिन साथ ही कई बीमारियां भी साथ में लाता है। तमाम बीमारियों से बचने के लिए लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिक बाटला का कहना है कि वैसे तो बारिश का मौसम सुहावना जरूर होता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। जैसे खान पान पर ध्यान रखिए, पानी उबाल कर ठंडा करके पिएं, तला हुआ भोजन खाने में कम इस्तेमाल करें, साथ ही घर के आसपास पानी जमा ना होने दें जिससे डेंगू जैसी बीमारियों से आप बच सकें। तो जैसे जैसे मानसून करीब आता चला जा रहा है, जो डॉक्टर्स हैं वो यहां पर अपनी राय भी रख रहे हैं और आप सभी को सुरक्षित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो बारिश के मौसम में जिस तरीके से आप सभी खुश होते हैं क्योंकि मौसम सुहाना हो जाता है, लोग इंजॉय करते हैं इस मौसम को, लेकिन यहां पर आप सभी को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। विशेषज्ञ का साफ तौर पर यह कहना है कि तला हुआ भोजन ना करें, पानी अपने घर के आसपास जमा ना होने दें, ऐसे में डेंगू जैसी बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है। नहीं, ऐसी कोई बीमारी इसमें खास निकल के नहीं है। शुगर बीपी रहता है आपको? बीपी है। अच्छा, हमारी चाकर
बरसात का मजा लीजिए, एंजॉय करिए, पर कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। सबसे पहली बात ये है, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है, गंदगी हो रही है, उसको जरूर ध्यान रखें, मच्छर ना पनपने दें, डेंगू मलेरिया अपने इलाके में ना आने दें, पूरे शर्ट की कमीज पहन के बाहर ही निकलें। बंद घर में, बंद कमरे में तो अलग बात है, पर बाहर कोशिश करिए बंद शर्ट की, मतलब पूरे हाथ तक की बंद शर्ट की शर्ट पहन के निकले बाहर। बाकी खाने पीने में पानी का खूब ध्यान रखिए, पानी इस टाइम में गंदा होता है, नालों का पानी साफ पानी से मिल जाता है। हम यही कहते हैं कि अगर आपको अपने पानी पर विश्वास है कि आप फिल्टर का ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उबाल के ठंडा करके ही लीजिए। घर से बाहर अपनी पानी की बोतल साफ लेके जाएं। नहीं, ऐसी कोई बीमारी इसको खास निकल के नहीं है। शुगर बीपी रहता है आपको? बीपी है। अच्छा, 4 तारीख। खबर अल्मोड़ा से, जहां विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 99वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में कृषि क्षेत्र में अच्छा उत्पादन करने वाले 5 किसानों वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों और उन्नत बीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली के निदेशक और कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह रहे। उन्होंने कहा कि आजकल कुपोषण एक मुख्य समस्या बन गई है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की काफी शिकायत है। उन्होंने कहा कि संस्थान ऐसी फसलों को तैयार कर रहा है जिससे पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो। तो धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। इसी के साथ 5 किसानों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ICAR का 99वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ लोगों को सलाह दी गई है कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि आजकल कुपोषण के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे खान पान का इस्तेमाल करें जिसमें मिलावट कम हो, और ऐसे में जोर भी दिया जा रहा है कि इस तरीके की खेती की जाए जिसमें जो खाद डाली जाती है वो काफी कम मात्रा में डाली जाए। तो जिन किसानों ने, जिन वैज्ञानिकों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, बेहतर काम किया है, उन्हें भी यहां पर सम्मानित किया गया है। पोषण एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर लोगों में, खासकर बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी होती है, और इसको दूर करने के लिए संस्थान के द्वारा और परिषद के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि ऐसी फसलों का विकास जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो, जिनको हम बायो फोर्टिफाइड किस्मों के नाम से जानते हैं। इसमें लोहा तत्व, जस्ता तत्व, प्रोबायोटिक, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, चाहे वो धान की किस्म हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे मक्का की हो। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के रोपवे को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी उषा ब्रेकरों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मेंटेनेंस के लिए ये अर्धवार्षिक बंदी की गई है। मनसा देवी रोपवे 4 से 6 जुलाई तक और चंडी देवी रोपवे 7 से 9 जुलाई तक बंद रहेगा। आपको बता दें कि पहाड़ी पर स्थित चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने वाले ज्यादातर श्रद्धालु रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फिलहाल मेंटेनेंस के लिए रोपवे को बंद किया गया है। हालांकि कंपनी प्रबंधन से पहले रोपवे बंद करने का प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन फिर भी दूर दराज से हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु अभी भी मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर जाने के लिए रोपवे के टिकट काउंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है और वो पैदल चढ़ाई करके मंदिर के दर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो मनसा देवी रोपवे 4 से 6 जुलाई तक के लिए बंद की गई है। श्रद्धालुओं को यहां पर निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर रोपवे की मदद से ही दर्शन करने पहुंचते हैं। चंडी देवी मंदिर की अगर बात करते हैं तो 7 से 9 जुलाई तक के लिए बंद की गई है। साल में 2 बार शटडाउन लेते हैं, तो ये हाफली शटडाउन है, और इसमें मनसा देवी जो रोपवे हमारा वो 4 से लेकर के 6 जुलाई इन दिन के लिए बंद रहेगा, और उसके बाद चंडी देवी रोपवे हमारा
7 तारीख से और 9 जुलाई तक। हम लोग यहाँ पे सोचे कि मनसा देवी का दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे ये बंद है, रोपवे भी स्टार्ट नहीं है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं चंडी देवी और वहाँ का दर्शन करेंगे और शाम में अगर मौका मिलेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे। उधम सिंह नगर के कछुआ में एसओजी की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान टीम ने 1100 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की। एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में टीम ने रामेश्वरपुर इलाके में छापेमारी की। आरोपी किच्चा और रुद्रपुर के आसपास के इलाकों में अवैध तरीके से कच्ची शराब की सप्लाई करता था। अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। नशे के खिलाफ अभियान में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 1100 लीटर अवैध शराब भी यहां पर बरामद कर ली गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था जिसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, काफ़ी दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि लालपुर क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है। इस संबंध में मुखबिर मामूर किए गए थे। आज एसओजी और लालपुर चौकी की पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिसमें जसवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे 1110 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की गई है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। काफ़ी मात्रा में अवैध शराब का स्टॉक उसने कर रखा था, जिसको आज पकड़ा गया है और इसी तरीके से भी कार्रवाई की जाएगी। रामबाग गांव में सांप काटने से 14 साल के दिव्यांग बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें, कल देर शाम बच्चे को सांप ने डस लिया था, जिसके बाद आनन फानन में परिवार के लोग बाजपुर निजी चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। परिवार के लोग रो रो करके बुरा हाल है। 14 साल के दिव्यांग बच्चे की मौत हो गई है सांप के काटने से। गांव में मातम पसर गया है। वो ऐसे ही अपने बरामदा में बैठा हुआ था और उसके नानी ने देखा कि उसको सांप ने काट लिया, कोबरा सांप ने। फिर आस पड़ोस के बंदों को बुलाया, चिल्ला के फिर हम आए, आके देखा कि उसको सांप ने, जहरीले सांप ने काटा। फिर हम यहाँ से तुरंत गाड़ी में बैठाया और सीधा बाजपुर की उधर लेके गए। तो जाते जाते गदरपुर जैसे ही क्रॉस किए, उसके बाद उसके मतलब शरीर में कुछ था ही नहीं। कल सुबह उसका कॉलगेट वगैरह धोके दिन में गए कंपनी। फिर 2 बजे मेरे पास फोन आया कि आपके बच्चे को, लड़के को सांप ने काटा है। तुरंत मैं सर के पास फोन लगाया, उन्होंने मुझे पास बना के दिया। मैं घर आया, घर आके मैं सीधा अस्पताल चले गया। मेरा जैसे आता मैं बासपुर गया, वहाँ से मुझे खबर आया कि अस्पताल से खत्म हो गया। कल के दोपहर बहुत दुर्घटना देखी। खबर बड़कोट से है, जहां पर बड़कोट नगर पालिका की एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पर बड़कोट नगर पालिका ने ट्रेंचिंग ग्राउंड को हरियाली में बदल दिया है। जी, आपको बताते चलें, बड़कोट नगर पालिका की ओर से एक अनोखी पहल शुरू की गई, जिसके तहत बड़कोट के तिलाड़ी रोड पर बनाए गए ट्रेंचिंग ग्राउंड को हरियाली में बदला जा रहा है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के किनारे बांस, रीठा, कचनार, सिरस और बेलपत्री जैसे पौधों का रोपण किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नगर पालिका के अध्यक्ष ने अनुपमा रावत ने सभी पौधों के बीज थैलियों में डालकर खुद अंकुरित करके पौधे यहां पर तैयार किए हैं। तो आपको बताते चलें, ट्रेंचिंग ग्राउंड को हरियाली में बदला जा रहा है, एक अनोखी पहल यहां पर देखने को मिली है। ट्रेंचिंग ग्राउंड को अब हरियाली में बदलने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नगर पालिका की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। अगर इसी तरीके से नगर पालिका
इसकी पहल देखने को मिलती रही तो आने वाले समय में प्रकृति के लिए ये बहुत लाभदायक भी हो सकता है। तो ग्राउंड के किनारे हरियाली लगाई जा रही है, तमाम प्रकार के पेड़ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इन बीजों को खुद ही तैयार किया गया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ट्रंचिंग ग्राउंड को की जो तस्वीर है उसे बदलने का यहाँ पर एक प्रयास हो रहा है। हरे हरे पेड़ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, बांस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। कुछ बीज बोए गए थे और वो पौधे तैयार किए गए, बांस है, रीठा है, कचनार है, बेलपत्री है जी। और डिडोनिया है जो कि हमने खुद तैयार कर रखे हैं और अब हम उन पौधों का जो है रोपण कर रहे हैं अपने टंचिंग ग्राउंड में। हमारा नया टंचिंग ग्राउंड बना है जी। तो हम चाहते हैं कि वो टंचिंग ग्राउंड हमारा हरा भरा हो और वो जमुना नदी के किनारे है तो वहाँ पे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और वो पौधे जो है हरे भरे जब लगेगा वहाँ तो टंचिंग ग्राउंड हमारा अच्छा लगेगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।